अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ एहतेशाम अल हक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हब ऑफ कम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो इट इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू दिस चैनल दैट वी आर क्रिएटिंग अ वीडियो सीरीज ऑन द बुक ऑफ मज़हर अल हक, पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोज़। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जंप टू आवर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज अबाउट ऑरिजन ऑफ द स्टेट। सो ये जो थ्योरीज है इसको हम टू कैटागरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर एक इसमें आते हैं स्पेकुलेटिव थ्योरीज और नंबर सेकंड आते हैं हिस्टोरिकल थ्योरीज। तो स्पेकुलेटिव थ्योरीज जो है इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस होता है, इसमें क्या सराया की जाती है और वो रीज़न की बुनियाद पर नहीं होते। इसमें आते हैं डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी एंड सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरीज। और जो सेकेंड कैटागरी है हिस्टोरिकल थ्योरीज में, इसमें आते हैं मैट्रियार्कल थ्योरी, पैट्रियार्कल थ्योरी एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी। सो हम थ्योरीज जो ऑरिजन ऑफ स्टेट के जो थ्योरीज है इसको हम इस दो कैटागरीज में डिवाइड करते हैं। तो आते हैं आज हम पढ़ते हैं डिवाइन थ्योरी। तो डिवाइन थ्योरी जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी अबाउट द ऑरिजन ऑफ द स्टेट एंड इट ट्रेसिस बैक टू द बाइबल एंड बहारता। इसके जो एक्सपोनेंट है इसमें जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड आता है और रॉबर्ट फिल्मर आता है। तो ये दो जो है ये इसके एक्सपोनेंट है इस थ्योरी के। तो हम इसको इन थ्री आइडियाज़ इसको बयान करने की कोशिश करते हैं। नंबर पहले इसमें आता है कि गॉड क्रिएटेड अ स्टेट एंड रूलर अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि गॉड जो है इट इज़ द क्रिएचर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि वो सारे यूनिवर्स का क्रिएचर है। तो इस तरह वो स्टेट का भी क्रिएचर है और इस तरह स्टेट में जो रूलर का अपॉइंटमेंट है वो भी गॉड करता है थ्रू डिवाइन वे। यानी गॉड जो है, अल्लाह ताला जो है वो अपने किंग को भी नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करता है और इस तरह ये जो किंग है वो रिस्पांसिबल होगा सिर्फ अपने गॉड को, ना कि अपने रियाया को, अपने आवाम को। तो इस तरह इसका जो पहला आइडिया है इसमें कि अल्लाह ताला ने सारे यूनिवर्स को पैदा किया है और इस तरह स्टेट को भी पैदा किया है और इस तरह जो रूलर इसमें होते हैं वो अल्लाह ताला डिवाइन वे में नॉमिनेट करते हैं और रिस्पांसिबिलिटी इसकी जो होगी वो अपने गट की तरफ होगी, ना कि अपने आवाम को। दूसरा जो आइडिया है कि गट क्रिएट सम रूलर्स एंड अदर रूल्ड, यानी ये जो रूलर्स होते हैं वो अल्लाह ताला क्रिएट करता है। यानी पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला चंद बंदे को रूलर्स पैदा करते हैं और चंद को रियाया पैदा करते हैं। तो इसमें जो रिस्पांसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला ने पहले से रूलर्स को पैदा किया है पैदाइशी तौर पर, तो इसके जो रियाया है वो इसके रिस्पांसिबिलिटी करे, यानी इसको ओबे करे। इसके बाद आता है कि किंग जो है वो काइंड होता है और अगर वो विक्ट हो, अगर वो शरीर हो, तो इसका मतलब ये है कि ये रॉन्ग एक्ट्स की वजह से है। यानी कि किंग जो होता है वो अल्लाह ताला काइंड किंग को नॉमिनेट करता है और अगर वो किसी शरीर किंग को नॉमिनेट करे तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो रियाया है इसके आमाल बुरे हैं और इसके बुरे आमाल की वजह से अल्लाह ताला एक शरीर किंग को भी नॉमिनेट करता है ताकि वो इसके बुरे आमाल को सज़ा दे सके। तो इस तरह ये तीन आइडियाज़ है। तो इसमें जो एक्सपोनेंट है जेम्स फर्स्ट, वो अपने राइट्स को क्लेम करता था इस थ्योरी की वजह से। तो इसके क्लेश आ गए पार्लियामेंट के साथ और पार्लियामेंट को वो कहता था कि अगर मैं ज़ालिम भी हो, जाबिर भी हो, तो ये अपने आवाम के जो रियाया है इसके अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे अपॉइंट किया है, ये रियाया के जो बुरे अमाल है इसके आप सज़ा दे सके। तो इस तरह पार्लियामेंट से इसके क्लेशेस आ गए। दूसरा जो है रॉबर्ट फिल्मर, वो कहता है कि अल्लाह ताला ने आदम और हवा को पैदा किया और आदम को सुपीरियरिटी दी गई अपने तमाम औलाद पे और हवा पे। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम को सुपीरियरिटी दी गई और इस तरह ये जो रूलर्स होते हैं ये आदम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट है, यानी वो आदम अलैहिस्सलाम जो पावर इस्तेमाल करता था वो ये रूलर भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो इसके डिसेंडेंट्स है।
इस तरह इस पर चंद क्रिटिसिज्म भी आते हैं। नंबर फर्स्ट आता है कि रीज़न रेदर फेथ इज एक्सप्लेन द ऑरिजन अबाउट द स्टेट, यानी कि हमें स्टेट का जो ऑरिजन है वो रीज़न की बुनियाद पर एक्सप्लेन करना चाहिए, ना कि अकीदे की बुनियाद पर। ये जो चूंकि डिवाइन थ्योरी है वो अकीदे की बुनियाद पर वजूद में आया है, चूंकि वो बाइबल में इसकी बयान की गई है। इस तरह ये एक क्रिटिसिज्म है कि स्टेट का जो ऑरिजन है वो रीज़न की बुनियाद पर एक्सप्लेन करना चाहिए। दूसरा जो है कि इट प्रमोट पेसिविज़म एंड कंजर्वेटिज़म, ये एक क्रिटिसिज्म है इस पर कि ये पेसिविज़म और कंजर्वेटिज़म को हवा देता है और अपने राया को की जो एफर्ट्स है टू डिवेलप अ स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस उसको वो इग्नोर करते हैं। इसके बाद आता है कि ओनली एक्सप्लेन मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो मोनार्की है एब्सोल्यूट मोनार्की सिर्फ इसको बयान किया गया है और इसको भी लिमिटेड बयान किया है, यानी इसके जो सक्सेशन का तरीका है कि किस तरह इसका सक्सेसर आएगा उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया है। और इसके बाद जो बड़ा इशू इसमें है कि इसने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बयान नहीं किया है कि किस तरह एक बंदे को इलेक्ट किया जाता है। तो अगर इसमें रिपब्लिकन का तरीका आ जाए, यानी वोटिंग प्रोसीजर से आपने लीडर को मुंतहब करना शुरू हो जाए, तो इसमें अवाम की जो ख्वाहिशात है उसकी बुनियाद पर वो लीडर मुंतहब होगा। इस तरह ये डिवाइन के अपोजिट है, इसलिए इस थ्योरी ने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बयान नहीं किया। इसके बाद आता है कि गड जो है वो मर्सीफुल है, और अगर गड मर्सीफुल है तो किस तरह वो एक विशियस किंग को नॉमिनेट करेगा। तो अगर हम इसको रीजंस की बुनियाद पर जांचने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि चूंकि गॉड तो मर्सीफुल है तो इसका अल्टीमेट ये होना चाहिए कि वो किंग को भी मर्सीफुल अपॉइंट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि किंग जो है वो विशियस नहीं होना चाहिए, वो जालिम और जाबिर नहीं होना चाहिए। लेकिन डिवाइन थ्योरी में जेम्स फर्स्ट कहता है कि ये जो किंग्स होता है वो विशियस हो सकता है, क्योंकि वो अपने रियाया के जो रॉन्गफुल एक्ट है उसको सज़ा देने के लिए मुंतहब किया जाता है। तो इस तरह ये डिवाइन थ्योरी के अपोजिट जाता है कि चूंकि गड जो है वो मर्सीफुल है इसलिए किंग को भी मर्सीफुल अपॉइंट करना चाहिए। इसके बाद आता है कि ये जस्टिफाई करता है मिसरूल को, यानी कि अगर एक किंग मिसरूल भी करे तो ये थ्योरी उसको जस्टिफाई करता है कि चूंकि ये आवाम के बुरे आमाल है इस वजह से वो इसके जो किंग के मिसरूल है उसको जस्टिफाई करता है। इसके बाद इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि चूंकि इस थ्योरी ने लोगों में यूनिटी पैदा किया, रिलीजियस स्पेस पर लोगों में ये एक यूनिटी पैदा की, क्योंकि वो प्रिमेटिव लोग जो होते थे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते थे, तो इस तरह एक तरह की यूनिटी पैदा की और माशरे में पीसफुल को एग्जिस्टेंस को हवा दी। तो इस तरह कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये थ्योरी रीज़न के ख़िलाफ़ है लेकिन इसने माशरे में यूनिटी और पीस को कायम किया। उम्मीद करता हूँ कि ये डिवाइन थ्योरी आप लोगों को समझ आई होगी, और फिर भी अगर कोई सवाल हो आपके जहन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।